शहर के निहालगंज थाना इलाके में वार्ड नंबर 7 के भाजपा पार्षद गणेशी कुशवाहा की सोमवार रात को विद्युत उपकरण दुरुस्त करते समय करंट लगने से मौत हो गई। घटना से परिजनों में हाहाकार मच गया। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया था, जिसका कि सुबह पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के मुताबिक 35 वर्षीय गणेशी कुशवाहा पुत्र छुट्टन लाल कुशवाहा वार्ड नंबर 7 से भाजपा का पार्षद है, जो कि अब तीसरी बार पार्षद चुना गया था। सोमवार रात करीब 8:30 बजे घर में बिजली की मोटर खराब होने पर उसे रिपेयरिंग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक काम करते समय करंट की चपेट में आ गया। करंट आने से पार्षद गणेशी लाल की चीख पुकार निकल गई। घटना से परिजनों में हड़कंप मच गया। नाजुक हालत होने के कारण आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर मृत घोषित कर दिया। पार्षद गणेशी कुशवाहा की मौत हो जाने पर परिजनों में कोहराम मच गया। जिला अस्पताल के इमरजेंसी के सामने ही परिजन रो रो कर दहाड़ मारने लगे। घटना की सूचना निहालगंज थाना पुलिस को दी गई। थाना प्रभारी बाबूलाल पटेल ने बताया, शव का परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया। घटना को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं पार्षद गणेशी कुशवाहा का मुक्ति धाम पर अंतिम संस्कार किया गया। मिली कि वार्ड नंबर 7 के पार्षद गणेशी लाल कुशवाहा की करंट लगने से मौत हो चुकी है, जिसकी लाश सामान चिकित्सालय धौलपुर में आई हुई है, जाकर कार्रवाई करें। तो वहाँ पहुँचे, उस लाश को लेकर मुच्छली में रखवाया हमने, जिसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई अब चल रही है। राजस्थान पुरस्कृत शिक्षक फोरम शाखा धौलपुर का 2 दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन समारोह का आयोजन महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सिटी कोतवाली धौलपुर में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश कुमार गर्ग के मुख्य आतिथ्य एवं महासचिव पुरस्कृत शिक्षक फोरम रामेश्वर प्रसाद शर्मा के निर्देशन में अवार्डी दयाकांत सक्सेना की अध्यक्षता एवं राष्ट्रीय अवार्डी शारीरिक शिक्षक सचिव पुरस्कृत शिक्षक फोरम सुरेश गोस्वामी के सानिध्य में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि CDEO मुकेश गर्ग ने कहा कि शिक्षक कर्तव्य का पालन के साथ साथ समाज हित एवं जन जागरूकता में भी कार्य करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लक्ष्यों को समय पर पूरा करना एवं शिक्षकों की गरिमा को बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि शिक्षक अपने अधिकारों की ओर ध्यान देने के साथ साथ पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करें, जिससे समाज में शिक्षकों की गरिमा कायम रह सके। अध्यक्ष दयाकांत सक्सेना ने कहा, शिक्षक समाज से अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर नौनिहालों के जीवन में शिक्षा के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न करता है, जिससे नौनिहाल देश के लिए कर्मठ नागरिक बन सकें। शिक्षक एक दीपक की तरह प्रज्वलित होकर दूसरों को प्रकाशित करता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सचिव सुरेश गोस्वामी ने सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए की जाने वाली घोषणाओं की विस्तृत चर्चा की। पुरस्कृत शिक्षकों के नाम का बोर्ड जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लगाने, अतिरिक्त वेतन वृद्धि एवं भूखंड आवंटन करवाने हेतु प्रस्ताव पारित किए जाने पर चर्चा सहित नई नीति पर चर्चा की गई। राज्य अवार्डी नरेश जैन, अजय सिंह चौधरी, भगवान सिंह मीणा, राहुल शर्मा सहित अन्य ने विभिन्न विषयों पर विचार व्यक्त किए। 28 सितंबर को द्वितीय दिवस में समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं जन जागरूकता संबंधी विषयों पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम के अंत में जिला अध्यक्ष दयाकांत सक्सेना ने आगंतुक अतिथियों का धन्यवाद व आभार ज्ञापित किया। इस अवसर पर फोरम के बैनर तले वृक्षारोपण कार्यक्रम के बेहतर आयोजन के लिए बरगद मैन नरेंद्र यादव को आमंत्रित कर उनका सम्मान किया। उन्होंने वृक्षारोपण मुहिम में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम का संचालन राज्य अवार्डी व्याख्याता भगवान सिंह मीणा ने किया। फोरम राजस्थान जयपुर के आह्वान पर 2 दिवसीय पुरस्कृत शिक्षक सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पुरस्कृत शिक्षकों के द्वारा विद्यालय में किस तरह बेहतरीन शिक्षा को हम बढ़ावा दे सकते हैं, विद्यालय के शैक्षिक एवं भौतिक विकास को किस तरह से हम आगे ले जा सकते हैं, इसके अलावा पुरस्कृत शिक्षकों की जो वाजिब मांगे थी, जो घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, उनकी पालना हेतु भी यहाँ पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से फ्लैट का या प्लॉट का रियायती दर पर आवंटन और दूसरा यहाँ पर 2 वेतन वृद्धि, अतिरिक्त वेतन वृद्धि का देना और अन्य स्टेट की तरह यहाँ 2 वर्ष की अतिरिक्त सेवा अवधि बढ़ाना, ये प्रमुख मांगे हैं जो यहाँ पर की गई, जिन पर चर्चा की गई। धन्यवाद।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा। राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 के अंतर्गत आज राजकीय महाविद्यालय सैंपउ में राजस्थान उड़ान शक्ति योजना का शुभारंभ डॉक्टर योगेंद्र सिंह चौधरी प्रभारी सामुदायिक चिकित्सा सैंपउ के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। कार्यक्रम के अंतर्गत 28 लाख किशोरियों को 282 ब्लॉक में स्कूल कॉलेज एवं आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से 11 से 45 वर्ष की बालिकाओं को फ्री सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना एवं उनके सशक्तिकरण की दिशा में पहल के माध्यम से उनकी स्थिति में सुधार लाना है। उड़ान शक्ति योजना के प्रथम चरण का उद्घाटन 19 नवंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। उड़ान योजना के अंतर्गत राजस्थान के राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को फ्री सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाएंगे। 11 से 45 वर्ष की महिलाओं और बालिकाओं को फ्री सैनिटरी नैपकिन प्राप्त होने से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनी है। योजना के प्रभारी क्रियान्वयन के लिए स्टेट लेवल पर 2 और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 1 ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। राजस्थान उड़ान योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सरकार ने विभिन्न विभागों को दी है, जिसमें तकनीकी उच्च शिक्षा विभाग के साथ स्कूल शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्राओं को उनके आधार कार्ड के माध्यम से सैनिटरी नैपकिन हर माह प्रदान किए जाएंगे। मुख्य तौर पर यह योजना राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाओं और उन छात्राओं के लिए है जो कि आर्थिक तौर पर कमजोर हैं और संकोच के कारण सैनिटरी नैपकिन या फिर पैसे की कमी या अन्य कारणों से सैनिटरी नैपकिन खरीदने में असमर्थ हैं। छात्राओं को उनके अच्छे स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देते हुए डॉक्टर योगेश चौधरी ने कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। इसके अंतर्गत फ्री आयरन की गोलियां, नैपकिन प्रदान करना, छात्राओं को यौन उत्पीड़न, दहेज प्रथा का बहिष्कार, शिक्षा स्तर में सुधार एवं अन्य सामाजिक कुरीतियों के बहिष्कार के संबंध में प्रभावी जानकारी प्रदान की। मेरा कहना है कि ये जो उड़ान कार्यक्रम है, उड़िए आप ऊंचाइयों पे पहुंचिए, सीधा सा अर्थ है। यदि हम साहित्य से लें, कुछ हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जिन बच्चियों का या जो नारियां हमारी अनभिज्ञ हैं या अज्ञान हैं किसी भी क्षेत्र में, उन्हें शहर से जोड़ना, उनके ज्ञान का विकास करना, यही हमारे इस प्रकार के कार्यक्रमों का महत्व होता है। और दूसरी बात है कि नारी शक्ति के विषय में कितना भी बोल सकते हैं, हमारे वैदिक साहित्य से नारी शक्ति कहीं कोई कम नहीं थी। नारी के सम्मान में कहीं किंचित मात्र भी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, ये आप सब लोग जानते हैं। लेकिन थोड़ा सा अफसोस होता है कि हमें आज ये सब जो कार्यक्रम करने पड़ते हैं, इनका क्या कारण है? शायद घर से हमारी माओं के द्वारा हमारे संस्कारों में कहीं ना कोई कमी अवश्य रह जा रही है, क्योंकि लक्ष्मी बाई के समय में, गायत्री के समय में, मैत्रेयी के समय में और गार्गी के समय में, सीता के समय में तो इस प्रकार की योजनाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, ना नारी शक्ति की किसी प्रकार से कोई कमी हो ये हमें कभी महसूस होता था, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं सिंहासन। मुरैना के रहने वाले एक अधेड़ की मंगलवार दोपहर रोडवेज बस स्टैंड के पास संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई, जिसके शव को पुलिस ने जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया। शिव सिंह पुत्र परमा 65 साल निवासी गणेशपुरा मुरैना का निवासी था। करीब 5 दिन पहले अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चीतापुरा आया था। मंगलवार को वह धौलपुर बस स्टैंड पर आ गया, मुरैना के लिए बस पकड़ने वाला था, तभी अचानक चक्कर खाकर वहीं गिर गया। इस बात की स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उसको जिला चिकित्सालय में लेकर आए, जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पर पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी, जो मुरैना से धौलपुर आए, और कोतवाली पुलिस ने शव का बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के हवाले कर दिया। बाड़ी क्षेत्र के बिजौली गांव के पास सोमवार देर शाम सड़क किनारे खड़े दो युवकों को अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया, जिस कारण दोनों युवक घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घायल युवक रणवीर पुत्र किशोर जाटव निवासी अरौआ थाना कंचनपुर ने बताया कि वह व उसका दोस्त मंगल सिंह पुत्र लखुआ किसी काम से बिजौली गाँव आए थे और वापस जाने के लिए सड़क किनारे खड़े थे, तभी तेज गति से आते हुए एक वाहन ने उन दोनों को चपेट में ले लिया, जिसके कारण वह घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से
उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बाबा खाटू श्याम की प्रथम पदयात्रा हुई प्रारंभ। प्रथम बार बाड़ी नगर से खाटू श्याम जी जा रही है पदयात्रा। 15 लोगों का जत्था पदयात्रा में हुआ रवाना। पदयात्रा की रवानगी से पूर्व लोगों ने किया जोरदार स्वागत। नेवी स्कूल संस्थापक दारा सिंह पचौरी, अंजनी पचौरी, चेतन शर्मा द्वारा किया गया स्वागत। साथ ही मुकेश भवनपुरा, रामनिवास मामा, बनवारी लाल, रामेश्वर दयाल, गोविंद जीतू, ऋषभ आदि ने माला पहनाकर बरसाए फूल। आचार्य पंडित श्री बाबू पचौरी ने मंत्रोच्चारण के साथ करवाई बाबा खाटू श्याम की पूजा अर्चना। खाटू श्याम मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर पचौरी के नेतृत्व में हुई है यात्रा की रवानगी। पहली पदयात्रा जा रही है, यह पदयात्रा 12 से 15 दिन के बीच पहुंचेगी। इसमें करीबन 20 सदस्य पैदल यात्रा के लिए बाबा खाटू श्याम दरबार में जा रहे हैं। बाबा की कृपा रही, सभी लोगों का सहयोग रहा तो आगे भी ये यात्रा हर साल जाया करेगी। बाड़ी से पदयात्रा। पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज गौरव श्रीवास्तव ने आज धौलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में धौलपुर पुलिस के 14 पुलिस कार्मिकों को डीजीपी डिस्क से सम्मानित किया। आईजी ने बताया कि डीजीपी डिस्क से सम्मानित होने वाले कांस्टेबल से लेकर पुलिस उप अधीक्षक स्तर के कार्मिक हैं, जिन्होंने अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और अन्य गतिविधियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यक्रम में एसपी धर्मेंद्र सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डीजीपी डिस्क से सम्मानित होने वालों में धौलपुर सीओ प्रवेंद्र सिंह, लाखन सिंह प्रभारी डीएसटी टीम, परमजीत सिंह थाना अधिकारी सैपऊ, योगेंद्र सिंह थाना अधिकारी थाना बाड़ी सदर, दयाल चंद हेड कांस्टेबल, विजय सिंह हेड कांस्टेबल, अश्वनी पचौरी, ब्रज किशोर, गजेंद्र सिंह, इंद्रजीत सिंह, ललित किशोर, नीरज कुमार, श्रीराम, योगेश कुमार शामिल हैं। धौलपुर पुलिस के 14 पुलिसकर्मियों, जो विभिन्न स्तर के पुलिसकर्मी हैं, डीवाईएसपी से लेकर के कांस्टेबल तक उसमें शामिल हैं, जिन्होंने धौलपुर में अपनी विभिन्न अपराध नियंत्रण, अपराध प्रबंधन और कानून व्यवस्था संबंधी ड्यूटियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के उपलक्ष्य में उन्हें डीजीपी डिस्क से सम्मानित किया गया। डीजीपी डिस्क प्रदान करने की सेरेमनी आज डीजी साहब के बिहाफ पर यहाँ धौलपुर में एसपी कार्यालय में एक छोटी सी सेरेमनी में उन्हें सम्मानित किया गया। ये पुलिसकर्मी जो आज सम्मानित किए गए हैं, यह डीजीपी डिस्क ना केवल उनके लिए बल्कि और पुलिसकर्मियों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है कि उनका अच्छा कार्य, उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन कभी भी खाली नहीं जाता। विभाग उसे एक्नॉलेज करता है और उचित रूप से उन्हें पुरस्कृत करता है, उन्हें सम्मानित भी करता है। यह इसका एक प्रतीक है। अभी इस सेरेमनी के बाद सीओस की एक यहाँ मीटिंग भी आयोजित की जा रही है, जिसके अंदर धौलपुर विशेष के जो अपराध हैं, जो समस्याएं हैं, उस पर भी डिस्कशन होगा और जो रेंज स्तरीय और राज्य स्तरीय जो विशेष अभियान इस समय आदतन अपराधियों के विरुद्ध, अवैध हथियारों के विरुद्ध और अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे हैं, उसकी भी समीक्षा करके आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए जाएंगे। बाड़ी नगर की स्ट्रीट व रोड लाइटें काफी समय से बंद, अधिकांश लाइट खराब हुई। महाराणा प्रताप गेट से कप्तान होटल तक लाइट बंद, लगभग एक वर्ष से नहीं जल पा रही रोड लाइटें। वहीं अम्बेडकर पार्क से माता मंदिर की भी लाइटें बंद। अंधेरे के चलते महिलाओं व बालिकाओं का आवागमन बना हुआ है असुरक्षित। सुबह व शाम को शहर घूमने वाले लोग हो रहे परेशान। नगरवासियों की नवदुर्गा महोत्सव के साथ दीपावली की रोशनी भी अंधेरे में दिखने की संभावना। जनसुनवाई समेत कई मौकों पर पार्षदों व लोगों द्वारा लगातार की जा रही शिकायत, लेकिन स्ट्रीट व रोड लाइटों पर नगरपालिका नहीं दे रही कोई ध्यान। वहीं प्रशासन भी लगातार लोगों की समस्याओं की कर रहा है अनदेखी। नहीं जल रही बाड़ी नगर की स्ट्रीट व रोड लाइटें, अधिकांश जली हैं खराब तो अधिकांश नहीं हुई हैं शुरू। महाराणा प्रताप गेट से कप्तान होटल तक बंद डली हैं सभी लाइटें, लगभग एक वर्ष से नहीं जल पा रही रोड लाइटें। वहीं अम्बेडकर पार्क से माता मंदिर की भी डली है लाइट बंद। अंधेरे के चलते महिलाओं व बालिकाओं के आवागमन बना असुरक्षित।
वहीं सुबह व शाम को सैर करने वाले लोग हो रहे हैं परेशान। नगरवासियों को नवदुर्गा महोत्सव के साथ दीपावली की रोशनी भी दिख रही है अंधेरे में। जनसुनवाई समेत कई मौकों पर पार्षद व लोगों द्वारा लगातार की जा रही शिकायत, लेकिन स्ट्रीट व रोड लाइनों पर नगरपालिका नहीं दे रही कोई ध्यान। पुलिस अधीक्षक धौलपुर धर्मेंद्र सिंह आईपीएस के निर्देशन में व बचन सिंह मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर व मनीष कुमार आरपीएस वृत्ताधिकारी वृत्त बाड़ी, हाल कार्यवाहक वृत्ताधिकारी वृत्त सरमथुरा के निकटतम सुपरविजन में पुलिस थाना सरमथुरा द्वारा इनामी अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। थानाधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस थाना सरमथुरा पर अलग अलग टीम गठित कर थाना हाजा से अवैध खनन के मुकदमा नंबर 279/2022 धारा 379 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 41/42 फॉरेस्ट एक्ट में नवल सिंह उर्फ लल्लू पुत्र रामजीलाल जाति मीणा उम्र 49 साल निवासी झिरी थाना सरमथुरा जिला धौलपुर को दस्तयाब कर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिनकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक जिला धौलपुर द्वारा 250 रुपये के इनाम घोषित हैं। मुलजिमान अवैध चंबल रेता के स्टॉक्स करने का अपराधी है, जिससे अवैध चंबल रेता स्टॉक करने के संबंध में तफ्तीश की जा रही है। वह मुलजिम को आज दिनांक 27/9/2022 को पेश न्यायालय किया जा रहा है। पुलिस टीम में देवेंद्र कुमार, होतम सिंह, समुद्र भवन सिंह आदि शामिल हैं।